अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हम जो है डिफरेंट स्लीपिंग पिल्स के आदि हो चुके हैं, यानी कि ऐसी नशावर नींद की गोलियां जो वो बगैर किसी डॉक्टर की हदायत के इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और उसको छोड़ते हैं तो नींद नहीं आती, बेचैनी आती है, गुस्सा आता है, मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाती है, दिन अच्छा नहीं गुजरता, सारा दिन सुस्ती सुस्ती रहती है, सोने को दिल करता है, रात सोने जाते हैं तो नींद मुकम्मल तौर पर नहीं आती, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कोई भी सही तरह अपना काम नहीं कर पाते। ये जो नशावर नींद की गोलियां हम खा रहे हैं, इनसे जान छुड़वाएं तो कैसे? ये जान छुड़वाएं कैसे? बहुत बड़ा सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, सीधी सी बात है, और इसका जो है जवाब आज तक बहुत सारे जो है लोग ढूंढ रहे हैं कि जान इससे छुड़वाई कैसे जाए। हर मेडिकल स्टोर पे यहां से मिल जाती है, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, इवन के इसको खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं, और इवन के इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए आप चार लोगों के ग्रुप के अंदर बैठकर, घर के तमाम अफराद के अंदर बैठकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये कह देंगे ये तो जो है गोली है, एक पेन किलर है, मुझे तो दर्दें हो रही हैं, मुझे थकावट हुई है, मुझे जो है ये डॉक्टर फला फला डॉक्टर ने लिख कर दी है, क्योंकि कौन सा किसी ने पूछ में भाई, इसी इसी बात है, तो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है। इसको छोड़ने के लिए है ना, छोड़ने के लिए चंद इकदाम है, इसको छोड़ने के लिए चंद इकदाम है जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते, मजबूर होते हैं। अब वो मजबूर इसलिए होते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहता। जैसे ही कोई आपने काम करना होता है और आप देखते हैं कि आपकी कैफियत कैसी है, मिजाज कैसा है, क्या आप वो जो काम, कोई भी जिम्मेदारी वाला काम है, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क है, चाहे वो आपका घर का वर्क है, चाहे वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपने पूरी करनी है ना, और आप समझते हैं कि अब आपको डोज की जरूरत है, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो नींद की गोली, वो बेचैनी की गोली, वो जो भी गोली है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है उसे इस्तेमाल करके अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे, इसके अलावा आप फील नहीं करेंगे। तो घर में रहते हुए इसको छोड़ने के लिए बहुत तगड़ो करनी पड़ेगी, और तगड़ो करते करते थक जाएंगे, लेकिन आप छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? कुछ वजूहात मैंने शुरू में वीडियो में बताई हुई है, आसानी से मिल जाती है, बगैर डॉक्टर की पर्ची से मिल जाती है, कहीं भी चार इंसान चार आदमियों के जो है दरमियान में बैठकर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको खरीदने के लिए आप चंद एक्स्ट्रा पैसे भी दे देते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इनको कंट्रोल करने के लिए जो है घर में कोई ऐसा डोमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो आपको चेक एंड बैलेंस कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान के साथ पांव लगे हुए हैं ना, उसकी जो है रखवाली कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपको इसकी तलब होती है तो आपने इसका जुगाड़ कहीं से भी किसी भी तरह लगा लेना है, किसी भी तरह इसकी नीड को पूरी कर लेना है। इसलिए जो है इस तरह के जो है पेशेंट जो समझते हैं कि वो घर में रहते हुए कंट्रोल नहीं कर सकते ना, किसी अच्छे से रिहैबिलिटेशन के बारे में जानने की कोशिश करें और वहां से इलाज करवाएं, क्योंकि वहां पर जो है आप कंट्रोल करके अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स और प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की टीम के जो है जब आपका इलाज शुरू होगा तो आप इस चीज को छोड़ पाएंगे, वरना तो आप 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, साल, 2 साल, 10 साल भी जो है लगे रहें तो आप जो है तगोदो करते रहेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। छोटी सी वीडियो है, ये जो लोग नशावर नींदावर गोलियां इस्तेमाल करते हैं ना, इन लोगों के लिए कि ये काम गलत है, इसके इलाज के लिए प्रॉपर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिले, या अपने ट्रीटमेंट को जो है मजीद कंटिन्यू करें और जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ के जो है आप वहां से अपना इलाज करवाएं।